नमस्कार। कभी कभी आप मुझसे जो स्टोन्स लेते हैं या वॉन्ड लेते हैं उनकी जानकारी चाहते हैं। मैं वैसे तो सबको बताती हूँ जब वो परचेज़ करते हैं मुझसे, फिर भी अगर आप सेवन चक्रा की वॉन्ड लेते हैं तो आज मैं उसकी जानकारी आपको दूंगी कि सेवन चक्रा की वॉन्ड लेने के बाद में क्या उसका कारण है। और क्यों मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आपकी एनर्जीज नहीं बढ़ती, आपको कोई प्रॉब्लम है तो सेवन चक्रा की वॉन्ड लीजिए, लेकिन वो ओरिजिनल होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की लीजिए, थोड़ी कम या मैम ऐसी ले लेते हैं, ऐसा ना करें। आज मैं बात करूँगी सेवन चक्रा की ब्यूटीफुल वॉन्ड के बारे में। अलग अलग तरीके की होती है, इसकी मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो लाल रंग का आप सबसे पहले स्टोन देखते हैं, जो ये स्टोन होता है ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ये जो लाल रंग का स्टोन है इसे हम कहते हैं रेड जेस्पर, और इसका सीधा संबंध हमारे रूट चक्रा के साथ होता है। ये हमें अर्थ ग्राउंडिंग की पोजीशन देता है। यदि आपका रूट चक्रा ब्लॉकेजेस है तो फाइनेंशियली पैसा आएगा और गलत जगह चला जाएगा, आप पैसे को जैसा चाहते हैं वह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और पैसा सबसे बड़ा आएगा ही नहीं, तो या आकर एकदम से रुक जाएगा। तो जब आप इस वॉन्ड को होल्ड करते हैं तो या उस आप पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक उस चक्रा पे एनर्जी ये डालना शुरू कर देता है। ये सबसे पहले अमेजिंग इसका रिजल्ट है, जो इस वॉन्ड का असर सबसे पहले आता है। देन दूसरा आपका यहाँ पे क्रिस्टल आता है, ये कालीनियन हो सकता है। ये क्रिस्टल जो होता है ये आपके सेकंड चक्रा पे काम करता है, इसे सैक्रल चक्रा कहते हैं, जिसका क्रिएटिविटी आपके थॉट आप के जितने भी आपके आपस के मेल भाव होते हैं, पति पत्नी के संबंध होते हैं, पर्सनल लेवल पर होते हैं, ये उसको मजबूत करने का काम करता है। यदि ये सारी प्रॉब्लम्स को आप इशू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस वॉन्ड को आप जैसे ही होल्ड करेंगे ऑटोमेटिक काम शुरू कर देगी। इस वॉन्ड को होल्ड करने के लिए आपको कहीं भी नहीं बैठना, आपको 10-15 मिनट्स बस निकालने होते हैं, और जब आप निकालते हैं और होल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये काम शुरू कर देती है। आप टीवी देख रहे हैं होल्ड करके बैठे, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, देखिए मैं इस वॉन्ड को होल्ड करके बैठ रही हूँ। अक्सर लोगों ने, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वॉन्ड मंगाई है, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप इस बात को यहाँ लिखिए ताकि लोगों को पता चले कि आपने वॉन्ड मंगाई और आपको एनर्जी मिली। क्योंकि जब एनर्जी आपको मिलेगी तभी लोग समझेंगे कि जो मैं वॉन्ड दे रही हूँ उसमें कितनी हीलिंग है या कितनी उसमें पावर है। तो जब आपने अपने तरफ किया, आपने कहा पूरी मेरी बॉडी शेक हो गई, एक मुझे एनर्जी मिल गई। तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप उस वॉन्ड को बताइए और उस वॉन्ड को इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। तो सेकंड जो आपका है वो चक्र यहाँ पे सैक्रल चक्र एक्टिवेट कर देती है। देन येल्लो, जो येल्लो यहाँ येल्लो क्वार्ट्स हो सकता है, येल्लो एवेंचुरियन हो सकता है, कोई भी यहाँ पत्थर लग सकता है, पीले रंग का होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे एक्टिवेट करता है। जितनी भी गंभीर या लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, जो लाइलाज है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल से आपके साथ है, जब जब 10-12 साल के तब से आपसे लगी हुई है, तो ये चक्रा के कारण है। तो आप वॉन्ड होल्ड करते हैं ऑटोमेटिक वहाँ काम करती है। बहुत से ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वॉन्ड मंगाई, वॉन्ड जब उन्होंने मंगाई और जब उन्होंने इस्तेमाल उस वॉन्ड का शुरू किया तब उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमारी 2 बार 3 बार आपसे वॉन्ड मंगाई और टूट गई, लेकिन जब भी वॉन्ड टूट गई उसके बाद हमने फिर से मंगाई तब हमने देखा धीरे धीरे हमारे अंदर एक एनर्जी आने लगी और वो पर्टिकुलर जो हमें प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो गई। हम राशि रत्न की क्यों बोलते हैं जब आप हमसे जन्म पत्री दिखाते हैं कि राशि रत्न का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसका कारण होता है जो हम आपसे बोलते हैं कि ये रत्न का इस्तेमाल वहाँ कीजिए, इस रत्न को आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर कारण है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे आपकी जो एनर्जी जो इस काम के लिए बनी हुई है, इसका वॉन्ड कोई कारण है तो अचानक से काम शुरू कर देगी। जो आप मनी के इश्यूज मुझे बोलते हैं उसके लिए मैं कहती हूँ पायरेट की आप हमसे वॉन्ड मंगाइए, कॉस्टली होती है पायरेट की वॉन्ड, लेकिन जब आप वायरेट की वॉन्ड इस्तेमाल करते हैं तो जिनको मनी की प्रॉब्लम्स है उनके वो इश्यूज़ खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके की होती है, होल्ड करके बैठना होती है तो वहाँ उनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो निकलने शुरू हो जाती हैं। फिर हम थोड़ा सा और आके चलते हैं, ग्रीन एवेंचुरियन यहाँ पे होता है, कभी कभी यहाँ पे जेड भी हो जाता है, लेकिन जनरली ग्रीन एवेंचुरियन होता है। इसके अंदर ग्रीन कलर का स्टोन जो है ये आपके हार्ट चक्रा पे काम करेगा, इमोशन लव में जिन लोगों को फेलियर्स का सामना करना पड़ा है उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उनके रिलेशन मजबूत कर देता है,
और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आप ब्लू टर्किश यहाँ पे आ जाता है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए आपके बोलने की फील्ड में काम करता है, जिनको बोलने का कम्युनिकेशन का है और वहाँ उनका ब्लॉकेजेस आ गए हैं तो ये ब्लू कलर का स्टोन वहाँ पे काम करता है। मतलब देखिए हर स्टोन जुड़ा हुआ है, बस आपको होल्ड करके बैठना है। हम रेखी नहीं जानते मैम, हमें कोई पूजा पाठ भी नहीं करनी, हम कुछ भी नहीं जानते नहीं समझते, लेकिन प्लीज़ आप फिर भी हेल्प कीजिए। तो ठीक है ना, आप ये वॉन्ड मंगाइए, होल्ड करके बैठिए, आप किसी से नहीं जुड़े हैं, टाइम भी नहीं है। कुछ लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि उनके पास टाइम ही नहीं है, तो आप इसको होल्ड करके अपने हाथ में 15 मिनट टीवी आप देख रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं उस समय एक हाथ में होल्ड कर लीजिए, आप बैठे हुए हैं, आप कम्युनिकेशन एक दूसरे से घर में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं उस समय होल्ड कर लीजिए। सिर्फ थोड़ी देर 15-20 मिनट होल्ड भी तो करनी है, कई बार तो इतनी एनर्जीज बॉडी में आ जाती हैं, पूरी बॉडी आपको पता चल जाएगी और धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे आप देखेंगे चेंजेस आ जाएंगे। मगर एक व्यक्ति एक ही वॉन्ड इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं आपका पूरा परिवार एक ही वॉन्ड को इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की एनर्जीज और कर्मा अलग अलग है। अगर 4 सदस्य हैं तो अगर उनको चारों को शौक है तो आप 4 वॉन्ड अलग अलग रखिए, आप चाहे तो उस पर नाम लिख दीजिए कि मेरी वॉन्ड है, मैंने इस पर नाम लिख दिया इस तरीके से। लेकिन एक वॉन्ड आप भी इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी इस्तेमाल कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वॉन्ड टूट जाएगी आपकी, आपके हाथ से गिर जाएगी, स्लिप हो गई, आपसे गिर गई या टूट गई रखते हुए, या अपने आप ही रखे रखे वो चिटक गई। इस तरीके के इश्यूज भी मैंने देखे हैं, जो लोग एक ही वॉन्ड को पूरा घर या 2-4 जने इस्तेमाल करते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्या नाम है, ब्लैक क्वार्ट्स भी हो सकता है, यहाँ पे आपका क्या नाम है सोडियम भी हो सकता है, आपका लैपिस भी हो सकता है, कोई भी एक स्टोन यहाँ लगाया जा सकता है। तीनों में से हम कोई भी स्टोन का इस्तेमाल यहाँ कर लेते हैं, इसका सीधा संपर्क 3rd eye से होता है, उसे एक्टिवेट करता है, उसकी ऑन एनर्जीज बढ़ाता है। तो आपको जो भी सोचने की है, या आप सोचते नहीं हैं, या आप ऐसे ही कार्य कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, माइंड आपका एक्टिवेट नहीं है, या माइंड बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सोचता है, डिप्रेशन की स्थिति में है, ये सारी इस चक्रा को या इस 3rd eye को बैलेंस करने के लिए ये जो वॉन्ड है वहाँ काम आती है। देन लास्ट एमेथिस्ट, जो लास्ट होता है या ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एमेथिस्ट काम करता है आपके यहाँ के आपका सबसे पहले ये क्राउन चक्रा पे जिसे एक्टिवेट करता है। एमेथिस्ट के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाली स्किल्स है, पढ़ने का काम है, दिमाग का काम है, क्रिएटिविटी के काम है, अध्यात्म जोड़ना, प्योरिफिकेशन, प्योरिटी, सारा एमेथिस्ट कर देता है। तो बस होल्ड करना है भाई, ऑफिस लाइफ है हमारी, हम ब्रासलेट पहन के ऑफिस में नहीं जा सकते, ऑफिस हाई प्रोफाइल्स पे हम काम कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी माला लटका के नहीं जा सकते। एक हमारा प्रेजेंटेशन है अच्छी सोसाइटी में जब हम बैठ रहे हैं, और हमको चाहिए हमारी एनर्जीज भी अच्छी रहें, लेकिन वो एनर्जीज हमें पता भी रहें। तो ये वॉन्ड उस लेवल पे जब काम करती है, 15-20 मिनट्स बैठना, आप किसी भी बैकग्राउंड के, किसी भी कल्चर को फॉलो करते हैं, आप अध्ययन से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, डजंट मैटर, क्योंकि चक्रा तो सबके पास है ना, हर व्यक्ति के पास क्या, जानवरों तक के पास है। तो बस थोड़ी देर होल्ड कीजिए, नॉर्मली कम्युनिकेशन कीजिए जैसे मैं आपसे कर रही हूँ, एंड देखिए इसकी एनर्जी, आई फील, मेरे को फील हो रही है इसकी एनर्जी। तो जब आप होल्ड करेंगे ना तो आपको भी फील होगी और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, और जब आप इसको होल्ड करके 15-20 मिनट्स यू फाइंड, और इतना रिलैक्स हो जाएगा, रात में नींद ना आने की प्रॉब्लम्स जिनको है, घंटों वो सो नहीं पाते हैं, और पर्सनल लेवल पर उनको प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, बढ़ी रहती है, वो सारे इस बॉन्ड को होल्ड करेंगे, आप देखेंगे सारी प्रॉब्लम्स, सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई। विश्वास होना चाहिए, पत्थर तो काम करता है, क्योंकि भगवान भी पत्थर के होते हैं, तो हम उनको भी तो पूछते हैं, जो भी मूर्ति जिस भी कल्चर में है वो किसकी बनी है, मिट्टी और पत्थर की तो बनी है, तो क्यों उसमें इतनी शक्ति है, क्योंकि हमारे विश्वास में वहाँ शक्ति है। तो जब विश्वास के साथ में आप हीलिंग अपनी करेंगे, और सिर्फ होल्ड करके आपको करना, आप जब भी हमसे मंगवाते हैं तो मैं और भी इसमें एनर्जाइज करती हूँ, और जिन लोगों ने मंगवाई है अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ यहाँ पर कमेंट्स डालिए, क्योंकि जितने आप लोगों ने मंगाई और आपको फील हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स डालिए, सबके पास ये पहुँचे, मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ से हील करके उन्हें दूंगी, उनके जो भी उनका प्रोसीजर है वो मेरे साथ फॉलो करेंगे और एक एनर्जी उन्हें मिलेगी, जब एनर्जीज उन्हें मिलेगी तभी ये वॉन्ड उस लेवल तक काम करेगी। मैंने यूं तो और भी वॉन्ड पे वीडियोस बनाए हैं, आप आराम से रेखी ज्ञान और वॉन्ड लिखेंगे, मेरे दोनों तीनों चारों वीडियोस आ जाएंगे, आप निकालिए और समझिए
वर्ड से कैसे काम हमें करना है। आज मैंने तो डेफिनेशन आपको समझाई है, मीनिंग समझाई है, कलर थ्योरी समझाई है वर्ड की, उसमें मैं आपको कैसे यूज़ करना है वो बता रही हूँ। हालांकि मैंने यहाँ भी बताया पर मैं बहुत और अच्छे से वहाँ बता रही हूँ। तो इस्तेमाल कीजिए और रेखी ज्ञान से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।